बस अभी हम जा रहे हैं ब्लॉगिंग के लिए, मुझे लेना है वायरलेस माइक पे 180-150 के अच्छे अच्छे एक्सटेंशन बोर्ड मिल रहे हैं क्योंकि चूना लगाने वाले बहुत हो। बस हम लोग क्रिंज कंटेंट इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखा करते थे, लेकिन हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? तो हर बार की तरह अपनी आदतों से परेशान वापस से लेट ब्लॉग लेके आया हूँ। खैर, इसके लिए हमें कीजिएगा माफ। तो बात ऐसी है कि लॉन्ग वीडियो के साथ मैं डेली का शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करता हूँ, इसी कारण से समय नहीं मिल पा रहा है लॉन्ग वीडियो पे काम करने के लिए, इसलिए लॉन्ग वीडियो लाने में टाइम लग रहा है। फिलहाल आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मेरा मेन काम पूरा हो गया है जिसके लिए मैं दिल्ली आया था, यानी कि मेरा एग्जाम। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं जा रहा हूँ चांदनी चौक। सो लेट्स गो। So guys, अभी हम जा रहे हैं मंडी हाउस और मेरा दोस्त भी वहाँ पे आने वाला है, तो अब उसके बाद हम जाएंगे चांदनी चौक और वहाँ पे कुछ शॉपिंग करना है चौधरी बाजार का। क्या हाल चाल है? तो ये है मेरा दोस्त राजीव। जी हाँ, इसका भी नाम राजीव है, लेकिन ये है राजीव कुमार और मैं हूँ राजीव रंजन। ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बोले तो हम दोनों ने साथ में ही पढ़ाई किया है। तो अभी हम आ गए चांदनी चौक में। लाल किला मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 1 से बाहर आया हूँ। सामने है ये दो मंदिर और लेफ्ट साइड में है ये रेड फोर्ट। इस मंदिर के सामने से शुरू होता है ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। इधर आने का मेरा मेन रीजन ये था कि यहाँ पे बहुत सस्ते प्राइस में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मिल जाते हैं। चांदनी चौक में ऐसी बहुत सारी गलियां हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के शॉप मिल जाते हैं। इस मार्केट में आते ही हम शुरू करते हैं अपने काम की चीजों पे नजर दौड़ाना। ब्लॉगिंग के लिए मुझे लेना है वायरलेस माइक। कुछ माइक देखा लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हमें मिलता है ये शॉप जहाँ पे होलसेल रेट पे सारे प्रोडक्ट मिल रहा। यहाँ पे 180-150 के अच्छे अच्छे एक्सटेंशन बोर्ड मिल रहे हैं। बैटरी की पूरे एक पूरी कितने का पड़ेगा? 130। इसमें चार्जेबल वाला भी है क्या? हाँ जी। चार्जेबल का कॉस्ट कितना पड़ेगा? 220 रुपए के दो पीस। यहाँ से मैंने बिल्कुल आधे प्राइस पे ड्यूरासेल बैटरी का ये पैकेट ले लिया अपने माउस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कैमरा एक्सेसरीज शॉप की खोज में, जहाँ से मुझे लेना है मोबाइल होल्डर। कुछ शॉप पे मिल रहा है लेकिन प्राइस सही नहीं लगा रहा है वो। इस मार्केट का सीन कुछ ऐसा कि आपको अच्छे से बार्गेनिंग आनी चाहिए। वो एक शॉप पे प्रोडक्ट पसंद आ भी गया तो दूसरे शॉप पे पता कर लो क्योंकि चूना लगाने वाले बहुत होते हैं इधर। अगर बार्गेनिंग अच्छी आती है तभी बहुत सस्ते प्राइस पे कोई भी प्रोडक्ट खरीद पाओगे। अब आगे बढ़ने के बाद मुझे इस शॉप पे 80-100 का मिल गया ये मोबाइल होल्डर, जो ऑनलाइन मुझे 150-250 का मिलता है। वो बोल नहीं है क्या? थोड़ा सा दो अगर रखना होगा तो तीन चार आ जाएंगे। आ जाएंगे तीन। और साथ ही मैंने इस शॉप से ले लिया लाइट स्टैंड बैग जो कि मुझे 200 का मिल गया। हमारी तलाश अभी भी जारी है अपनी जरूरत की चीजों की खोज में। ये विंटेज अलार्म क्लॉक काफी दिनों से मेरे अमेजन के विश लिस्ट में पड़ा है। ऑनलाइन इसका प्राइस 400 है लेकिन यहाँ पे मुझे 250 का मिल गया। तब शॉपिंग करने हो गया हमारा, तो अब हम चलते हैं थोड़ा घूमने। घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली के लाल किला। ये देख लो यहाँ का नज़ारा इतना सारा, फिर काफ़ी ज़्यादा और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। ये तो पहन के नहीं आया है। कितनी ठंडी है यहाँ पे और पूरा कुहासा हो रखा है दूर से देख लो। और या कुहासा बोले या दिल्ली के पॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको, लेकिन है तो। गाइस, हम लोग क्रिंज कंटेंट इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखा करते थे, लेकिन आज लाइव क्रिंज कंटेंट देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं भी आपको दिखाता हूँ। चलो ये देखो इधर। देख लो। घूम लिए हैं रेड फोर्ट और हम लोग जा रहे हैं वापस से। काफी टाइम हो चुका है और कोई फायदा नहीं अब रहने का और ठंड भी लग रही है काफी ज्यादा। अब रेडफोर्ट तो हमने घूम लिया, लेकिन अब रास्ते में जाते समय हमने प्लान किया कि इंडिया गेट भी चलते हैं। इंडिया गेट जाके हमने शूट किया कुछ सिनेमैटिक सीक्वेंस जो आगे आने वाला है।
आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।